एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्रलोका अंबानी भी जामनगर पहुंच चुके हैं प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए। जामनगर को सजाया गया है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी हस्तियों का भी जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। सलमान खान भी पहुंच चुके हैं और भी कई सारी हस्तियां जिनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह के लिए जामनगर सज धजकर पूरी तरह से तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी कल से शुरू हो रही है, और इससे पहले जामनगर में कल अन्न सेवा का आयोजन किया गया। अंबानी परिवार ने जामनगर के जोगवट गांव में करीब 51,000 लोगों को भोज के लिए आमंत्रित किया। वहीं प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। परिवार के सदस्यों का भी जामनगर पहुंचना जारी है। आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्रलोका के साथ छोटे भाई के फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। एक्टर सलमान खान, अर्जुन कपूर भी इस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए जामनगर पहुंचे हैं। इनके अलावा पॉप सिंगर रिहाना की टीम भी इस वक्त जामनगर में मौजूद है। इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट गुजरात के जामनगर पहुंच रहे हैं। जामनगर के रिलायंस ग्रीन कॉम्प्लेक्स में ये प्री वेडिंग सेरेमनी होगी। फिल्म अभिनेता सलमान खान जामनगर पहुंच चुके हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर भी प्री वेडिंग फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए जामनगर पहुंचे। इनके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट भी नीतू सिंह के साथ जामनगर पहुंचे हैं। मेहमानों के जामनगर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कई ग्लोबल मेहमान इस साल की सबसे बड़ी शादी में शिरकत करेंगे। करीब 1,000 वीवीआईपी गेस्ट के इस समारोह में पहुंचेंगे। 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होगी, और फिर 12 जुलाई को ये दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। अंबानी परिवार में हो रहे इस शादी समारोह को इस साल का सबसे बड़ा समारोह माना जा रहा है, और इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समारोह में दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। और G20 की मीटिंग के बाद देश में सबसे ज्यादा ग्लोबल मेहमानों की शिरकत इस समारोह में होने वाली है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में बिल गेट्स, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, भूटान नरेश, कतर के प्रधानमंत्री और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री समेत फिल्म जगत के कई बड़े सितारे शामिल होंगे। मेहमानों की लिस्ट में एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और डोनाल्ड ट्रंप के बेटी इवांका ट्रंप भी शामिल हैं। खेल जगत से सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर शामिल होंगे। आध्यात्मिक जगत से सदगुरु भी प्री वेडिंग समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो कई बड़े दिग्गजों की मौजूदगी इस शादी समारोह के कार्यक्रम में रहेगी। फिल्म जगत की हस्तियां, साथ ही साथ क्रिकेट जगत की हस्तियां इसमें शामिल होंगी, और साथ ही साथ ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर बिजनेस लीडर विपुल भाई कोटक ने कहा कि रिलायंस ने जामनगर को ऑयल सिटी की पहचान दी, और अब जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी होने से जामनगर को नई पहचान मिली है। जामनगर की पहचान तो सिर्फ ब्रास इंडस्ट्रीज थी। अब 20-22 साल पहले जब रिलायंस ने एक नया इंडस्ट्रीज खोला, ऑयल रिफाइनरी खोला, तो उससे ये लोगों को समझ में आया कि जामनगर में भी वर्ल्ड क्लास का एक रिफाइनरी बनने से, 1. लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर्ड रिफाइनरी बना के जामनगर की नई पहचान मिली, वो थी कि भाई ऑयल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ऑयल सिटी को छोड़ के हट के एक और एक नई पहचान जामनगर को जो मिल रही है, जो अंबानी परिवार के जो सुपुत्र हैं अनंत जी, उनके प्री वेडिंग फंक्शन करके और प्रधान मंत्री के आह्वान के अनुरूप कि भाई लोगों को अपने देश में ही बड़े फंक्शन करने चाहिए, अपने परिवार के जो शादी के कोई फंक्शन है या प्री वेडिंग के फंक्शन है, डेस्टिनेशन वेडिंग शुड बी इन इंडिया। तो उस तरह से जो उसने अपने ये फंक्शन प्री वेडिंग का 3 दिन का जो जामनगर में रखा है, ये जामनगर को एक नई पहचान दी है।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।